जगत गुरु साक्षात श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। जैसे हमारे संसार में शारीरिक रोग होने पर हम उस रोग का निवारण करने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं? अजी ये डॉक्टर डीएम है, हाँ बस इसको अपना रोग बताओ ये रोग ठीक कर देगा। ऐसे विद्वानों ने कहा देखो भाई एक वादी बना दो जगत गुरु की जो भगवान के विषय में जीवों को प्रवृत्त करे, यानी जीवों को भगवान का रास्ता बताए। और जगत गुरु विश्व में मौलिक पांच हुए। 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये ज्ञान मार्गी थे, लेकिन इन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भक्ति की है, इनके ग्रंथों में भरा पड़ा है। दूसरे जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, ये भक्ति मार्गी है, इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तीसरे हुए आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, ये भी भक्ति मार्गी और इन्होंने भी श्री कृष्ण भक्ति की। चौथे हुए आदि जगत गुरु माधवाचार्य जी, ये भी श्री कृष्ण भक्त हैं, बीच में महापुरुष भी आए बहुत, आप लोग नाम सुनते होंगे बल्लभाचार्य जी का, गौरांग महाप्रभु का, सूरदास नानक जी, तुकाराम, बड़े बड़े महापुरुष हुए। लेकिन 700 साल के वर्ष में माधवाचार्य जी के बाद किसी को जगत गुरु की उपाधि नहीं मिली। अब पांचवे मूल जगत गुरु श्री महाराज जी हमारे, जिनको किसी गद्दी में नहीं बिठाया गया, ना किसी के उत्तराधिकारी हैं, ये स्वयं 14 जनवरी 1957 में काशी विद्वत परिषद सभा की तरफ से इनको जगत गुरुत्तम की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये काशी बनारस ये विद्वानों का सबसे बड़ा समूह है। इस काशी विद्वत परिषद के 500 विद्वान शीर्षस्थ यानी उच्च कोटि के, ये बड़े बड़े विद्वान एक एक शास्त्र में प्रवीण, कोई न्याय में, कोई सांख्य में, कोई योग में, चार वेदों में, 18 पुराणों में, कोई गीता का, कोई भागवत का, कोई महाभारत का, 60 वर्ष से ऊपर वाले और एक एक शास्त्र के ज्ञानी, इन सब विद्वानों ने 34 वर्ष के छोटी सी अवस्था में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के ज्ञान को सुना और सुनकर एक मत होकर कहा कि ये संसारिक जीव वालों, ये भगवान की तरफ से कोई अवतरित जीव है, ये आपको भगवान का मार्ग बताएगा, हम सब साइन करते हैं ये जगत गुरुत्तम है। ये उपक्रम कैसे बना मैं थोड़ा सा वृत्तांत करती हूं, उसका बताती हूं कि एक बार चित्रकूट में 1955 में एक महासम्मेलन हुआ, 70-72 वक्ता वहां पर पहुंचे, बड़े बड़े। उस समय हमारे गुरुदेव वक्ता नहीं थे, एक स्वागताध्यक्ष थे। स्वागताध्यक्ष का कार्य लोगों को संभालना होता है, सारी व्यवस्था ठीक रहे।
मेन होता है वो कुछ प्रश्न रखता है जिससे संसार का कल्याण हो, और उन्हीं प्रश्नों पर समस्त वक्ता अपना अपना भाव प्रकट करते हैं, इसी को सम्मेलन कहते हैं। तो हमारे श्री महाराज जी स्वागताध्यक्ष थे, उन्होंने सभी वक्ताओं को प्रणाम करके चार प्रश्न रखे, कुल जमा टोटल चार, और सबसे कहा कि इन प्रश्नों का आप सब उत्तर दें, ताकि ये सारी सभा में जितने जीव हैं वो भगवान की तरफ अग्रसर हो। उस सभा के जो अध्यक्ष थे, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, श्री महाराज जी ने एक सीताराम, जो बाल स्वरूप में बच्चे होते हैं, उनको बना के रखा, क्योंकि भगवान के बिना तो कोई अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। अगर जीवों में किसी को ये छांट दिया जाए तो झगड़ा होता है, कुछ लोग कहते इसको क्यों बनाया, हम तो इससे ज्यादा ज्ञानी है, दूसरा कहता इसको क्यों बनाया, हम इससे ज्यादा ज्ञानी है। तो उन्होंने कहा भाई ये झगड़ा हटा दो, भगवान को अध्यक्ष बनाओ। वहां रामलीला की मंडली आई थी रामलीला करने चित्रकूट में, तो उन्हीं बच्चों को अध्यक्ष बना के रखा। और सम्मेलन में जो चार प्रश्न थे उनको सबने सुना और समझ गए कि ये इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जिसको 6 शास्त्रों का ज्ञान हो और 4 वेदों का हो, 18 पुराणों का हो, गीता भागवत सबका हो, तब इन प्रश्नों का उत्तर कोई देगा। वे प्रश्न क्या थे ये आप लोग सुनना चाहते होंगे, बड़े अलौकिक प्रश्न है ये, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहते हैं, क्योंकि आप सब आत्माएं हैं, आत्मा परमात्मा का ही विषय सुनना चाहती है। तो वो चार प्रश्न मैं अभी आपके सामने बोलूंगी जो उस समय बोले गए थे। उसी समय का एक लेटर मेरे पास है श्री महाराज जी का, मैं अभी बोलूंगी, केवल आप सुनिएगा, है थोड़े कठिन, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें पहला प्रश्न था, शास्त्रों वेदों में कर्म ज्ञान उपासना आदि कितने ही स्वरूप बताए गए, उन सब का संबंध एवं निराकरण क्या है। दूसरा, वेदों में निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार इन दोनों ही की विभिन्न ऋचाएं उपलब्ध हैं, ऊपर निर्दिष्ट भाव विकारों के सिद्धांत भी विभिन्न विभिन्न से हैं, इसका कृपया समन्वय करें। मीमांसा कुछ शास्त्रों को लोग निरीश्वर वादी कहते हैं, आदि यह सत्य है, तो उनका शास्त्रत्व एवं उनकी उपयोगिता परमानंद प्राप्ति में क्या और कितनी है। चौथा, द्वैत विशिष्टा द्वैत, द्वैता द्वैत, विशुद्धा द्वैत आदि आदि मतानुयायी आचार्यों के भाष्यानुसार ब्रह्म सूत्र गीता आदि के अर्थ उपलब्ध हैं, उनका भी कृपया समन्वय करें। साथ ही भक्ति योग की प्रमुख उपयोगिता एवं विलक्षणता पर प्रकाश डालें। तात्पर्य खाली ये था कि कलयुग के भ्रांत जीवों के कल्याण आदि सिद्धांतों पर पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए भगवान राम कृष्ण
प्राप्तार्थ भक्ति योग की उपादेयता एवं उनका षट दर्शनों के संबंध कितना है, क्या है, कृपया व्यक्त करें। बहुत बड़ा लेटर है ये मेरे पास उस समय का। चार प्रश्न समाज शास्त्रों के ज्ञान वाला ही बोल सकता है। कैर वक्ताओं ने इस पे अपने अपने भाव प्रकट किए, लेकिन जनता बहुत समझदार थी। जनता की तरफ से एक ही आवाज आए, जो प्रश्न रखे हैं उस पर प्रकाश डालिए, विषय से हटकर मत बोलिए। फिर उन्होंने अपना भाव प्रकट किया महात्माओं ने, फिर यही प्रश्न आने लगा कि जो प्रश्न दिया उन पर भाव प्रकट कीजिए। सब संतों महात्माओं ने मीटिंग की कि ये तो कोई भगवान ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते, क्या करें। तो एक महात्मा जी बहुत विद्वान और बड़े सहज स्वभाव के, उन्होंने माइक लेके अनाउंस कराया कि जिसने ये प्रश्न रखे कृपा व्यय कृपालु जी महाराज आए और इसका उत्तर दे। खैर महाराज जी तो व्यवस्था में थे उस समय, उन्होंने कहा अरे अरे मैं तो वक्ताओं की लिस्ट में भी नहीं हूं, आप लोग तो बड़े बड़े वक्ता हैं और मेरा तो कोई टाइम भी नहीं है। सम्मेलन में हर महात्मा का एक टाइम फिक्स होता है और अब तो कोई टाइम भी नहीं है, सारा सेट हो चुका है। तो सारे वक्ता हंसने लगे, बोले नहीं महात्मा जी, कृपालु जी आपको ही बोलना है, हम लिस्ट में भी आपका नाम लिख देते हैं और टाइम भी देते हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महाराज जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, अब कल्याण करने का जब बीड़ा उठाया है तो जीवों को सही ज्ञान तो देना है। उन्होंने 3-3 घंटे के 15-16 दिन सम्मेलन चला, लास्ट के 9 दिन खाली मिले और लगातार इन प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्नों के उत्तर, जबकि महाराज जी की जीवनी आप लोगों ने इश्तिहार में भी पढ़ी होगी और आज न्यूज़पेपर में भी निकली है। छोटी सी अवस्था में 16 साल की अवस्था में ये अपने घर से गायब हो गए और चित्रकूट में शरभंग आश्रम में, जहां बड़े बड़े जीव जंतु हिंसक, वहां रह के साधना की और जीवों का कल्याण किया। उसी परमहंसावस्था में वहां से भाग कर रहे अपनी प्राण स्थली श्री वृंदावन धाम आए और श्री वृंदावन धाम में भी पहले तो लोग उनको पहचान न सके ये कौन है। कुसुम सरोवर, आप लोग जो लोग वृंदावन गए होंगे तो गोवर्धन की परिक्रमा में एक कुसुम सरोवर स्थान पड़ता है। उस कुसुम सरोवर में एक कुटिया है ऊपर, जहां कहना है कि राधा कृष्ण स्वयं यहां पर लीला करते हैं और ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं। उसी कुटिया में 1 साल रहे, कोई पहचान ही नहीं पाए ये कौन है, कहां से आए। मुझे भी इस रहस्य का पता बहुत बाद में पता चला। मैं भी कुछ भक्तों को लेकर, भटिंडा के कुछ भक्त हैं बाहर के भी, वो सब कुसुम सरोवर हम लोग गए तो वहां के जो पंडित हैं जिनके पिता भी कुसुम सरोवर की पूरे जीवन सेवा किए हैं, उन्होंने ही बताया कि दीदी जी यहां पे तो श्री महाराज जी 1 साल रहे और निरंतर बीयर जंगल में पीछे जाके राधे राधे करते थे, और तो और अक्सर उनके लिए कोई एक सखी रूप में आती थी, उनको माखन और रोटी दे जाती थी। जब मेरे पिता ने उनको पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गए श्री महाराज जी के, तो रातों रात महाराज जी यहां से गायब हो गए। उसे बाल थे, दाढ़ी थी, जहां गए जिसके
जिसके घर गए उसी के वस्त्र पहन लिए, जो उसने दे दिया खा लिया। कभी किसी सत्संगी ने उनके हाथ में कोई ग्रंथ देखा ही नहीं था, ना गीता ना भागवत ना रामायण। आज वो सभी सत्संगी चित्रकूट में बैठे हैं और श्री महाराज जी 3-3 घंटा शास्त्र वेदों से प्रमाण सहित उत्तर दे रहे हैं। सब देख के आश्चर्यचकित, ये कहां से ज्ञान आया, इन्होंने कब पढ़ा। और वहीं पर काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष गिरिधर शर्मा जी, आप लोग को शायद इसका ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हैं, 70 साल के उस समय बुजुर्ग थे। उन्होंने सुना और कहा, अरे ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, ये कोई अलौकिक पुरुष है, इसका तो अवतार हुआ है, ये 32 साल में कैसे शास्त्र वेद बोल रहा है। और मैं शास्त्रों का ज्ञाता, मैं जानता हूं उसमें एक एक स्वर सहित है। और खैर, सम्मेलन खत्म हो गया, सब अपने अपने यहां चले गए। फिर 1956 में कानपुर में एक सम्मेलन कराया गया, जहां हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, खंडानंद जी, बड़े बड़े महापुरुष पहुंचे। उस सम्मेलन में काशी विद्वत परिषद के एक जनरल सेक्रेटरी थे, राज नारायण शुक्ल जी। ये किसी को विद्वान अपने से ऊपर नहीं मानते थे। जब गिरिधर शर्मा जी इनसे तारीफ करे श्री महाराज जी की, तो हंसते थे, कोई बच्चा ये कर सकता है, आप तो ऐसे बोल रहे हो। तो गिरिधर शर्मा जी को पता चला इन्होंने फिर एक सम्मेलन रखा है, तो उन्होंने राज नारायण शुक्ल जी से कहा, जाइए और जाकर सम्मेलन में भाग लीजिए, आपको पता चल जाएगा जो मैं तारीफ कर रहा था। राज नारायण शुक्ल जी ने कहा, हाँ जाएंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। चुपचाप कानपुर के एक पंडित जी के घर ठहर गए। और जब सम्मेलन शुरू हुआ तो राज नारायण शुक्ल शत शास्त्री वहां पर पहुंचे। और जैसे पहुंचे, श्री महाराज जी खड़े हो गए, जानते थे ये बहुत बड़े विद्वान हैं। और हमारे गुरुदेव ने उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया और कहा, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष आप लोगों के बीच आए हैं। और इनका जो भी ज्ञान सुनता है वो भगवान की तरफ जल्दी अग्रसर हो जाता है, तो हम इनसे अनुरोध करते हैं राज नारायण शुक्ल जी से, वो आए और आप सबको ज्ञान दें। तो राज नारायण शुक्ल जी ने कहा, नहीं नहीं आज नहीं, हम कल बोलेंगे, पहले कृपालु जी आप बोलिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, और प्रवचन शुरू हो गया। राज नारायण शुक्ल जी नीचे श्रोताओं के बीच में बैठे आगे, और एक कागज पेन लेकर कि ये जहां त्रुटि करेंगे मैं लिखूंगा, बाद में काट दूंगा। और 3 घंटा ये प्रवचन चला और आंख बंद करके मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे उनका, 3 घंटे में एक बार भी पेन नहीं चला। जब प्रवचन खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा कि अब आप बोलिए। बोले, आज नहीं कल बोलूंगा। खैर, दूसरा दिन भी आया, फिर आए वे महात्मा राज नारायण शुक्ल शत शास्त्री जी। श्री महाराज जी ने फिर उनसे अनुरोध किया, मुस्कुरा के बोले, आज हम बोलेंगे बोलेंगे, और वे महाराज जी के स्थान पे बैठ गए। और हमारे गुरुदेव नीचे जाकर पेन कागज लेके बैठ गए कि हम भी सुनते हैं आखिर ये क्या बोलेंगे, हमारी कौन सी बात काटेंगे आज। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं काटी, उल्टा उन्होंने श्री महाराज जी की तारीफ शुरू कर दी। ये उन्हीं के वाक्य हैं जो मैंने इस इश्तिहार में छपवाए हैं। उन्होंने उस समय यही वाक्य बोले कि काशी के पंडित आसानी से किसी को समाज शास्त्रों का विद्वान स्वीकार नहीं करते। पहले हम शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, उसको कसौटी पे कसते हैं, फिर हम उसको
को शास्त्रज्ञ मानते हैं, लेकिन आज हम इस विद्वानों की मंडल में एक घोषणा करते हैं कि ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो संतों में सबसे ऊंचे हैं, उनकी प्रतिभा को हमने पहचाना और हम सबको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी इनको पहचाने। काशी विश्व गुरुकुल है, हम काशी के विद्वान यहां बैठ के इनके नतमस्तक हो गए हैं। इनके संपर्क में जाकर जीव प्रैक्टिकल साधना करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। खैर, ये समय भी चला गया, फिर काशी विद्वत परिषद ने श्री महाराज जी को निमंत्रण दिया 1957 में कि आप काशी आइए। श्री महाराज जी काशी गए बनारस, और वहां पे सभी विद्वानों के बीच में श्री महाराज जी से प्रश्न भी हुए, और सभी प्रश्न संस्कृत में और क्लिष्ट संस्कृत वेदों की, उसी संस्कृत पे जैसा जो प्रश्न करे उसको वैसा उत्तर दिया गया, बड़ी दीनता से, सरलता से, सहजता से। सभी काशी के विद्वान सोचने लगे कि भाई ये तो जगत गुरुत्तम की उपाधि से इसको अलंकृत करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई उपाधि नहीं इससे बड़ी। तो सबने एक स्वर में जगत गुरुत्तम की उपाधि से श्री महाराज जी को अलंकृत किया। आप लोगों ने सुना होगा यहां पर श्रीमत पद वाक्य प्रमाण पारावारिण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार, ये उपाधि है। इस पे दो विशेष वाली है जो हम लोगों के काम की है। एक तो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, महाराज जी समस्त शास्त्रों का समन्वय करने वाले हैं, किसी भी शास्त्र की किसी भी बात का कभी खंडन नहीं करते। जो जीव जिस भाव से आता है उसको उसी भाव में उत्तर देकर संतुष्ट कर देते हैं और भगवान की तरफ चलने का रास्ता बताते हैं। और दूसरा है भक्ति योग रसावतार। शास्त्रों का ज्ञान समन्वय करना तो ठीक है, लेकिन भक्ति के ये अवतार हैं, बड़े सरल और रसिक हैं, इन दो उपाधियों से उनको अलंकृत किया गया। ये ऐतिहासिक घटना आज ही के दिन 14 जनवरी 1957 में हुई, यानी 14 जनवरी 1957 में। इस दिन 34 वर्ष की अवस्था में श्री महाराज जी इस विश्व के जगत गुरुत्तम बने, इसलिए हम आज के दिन को जगत गुरुत्तम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सभी भक्त उनके उनको अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं और उनसे एक हम प्रार्थना भी करते हैं, वो स्वयं भगवान है, कि हम सब जीवों पर कृपा करें और कृपा करके हम उनके दिव्य प्रवचनों को सुने और सुनकर समझें और श्री महाराज जी के दिव्य प्रवचनों को समझकर ईश्वर की तरफ चलें, क्योंकि मनुष्य शरीर का केवल एक लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति।
कि जो लक्ष्य है इसकी तरफ हम अग्रसर हों और राधा कृष्ण के दर्शन करके उनकी सेवा प्राप्त हो। बस इसी के साथ मैं इस प्रवचन श्रृंखला का समापन करती हूँ। और आप सब दूर दूर से आए हुए हमारे भक्त हैं और भटिंडा के तो भक्त हमारे परम प्रिय हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहती हूँ और नित्य यहाँ कोई ना कोई यहाँ सत्संग चलता ही रहता है। आप लोगों से अनुरोध है, आप भी श्री महाराज जी के दिव्य प्रवचनों को सुने और सुनकर लाभ उठाएं और राधा कृष्ण के दर्शन की और उनकी सेवा की भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए अनंत जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज की जय। तिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, तोपे तन मन धन प्राण वारी, तेरे भक्त ही है साचे भक्त बनवारी,
राजे राजे।